एक वाहन जो जमीन पर और साथ ही यह नीचे पानी पर जा सकता है उसे उभयचर वाहन या बस उभयचर के रूप में जाना जाता है। उभयचर साइकिल, एटीवी, कार, बस, ट्रक, सैन्य वाहन, नाव और होवरक्राफ्ट उभयचर वाहनों के उदाहरण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप दुनिया के 10 सबसे आश्चर्यजनक उभयचर वाहन देखेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो घंटी बजाएं। इगुआना X100 एक 10 मीटर की नाव है जिसमें काफी जगह है। पानी पर सबसे मजेदार दिन प्रदान करने के लिए नाव विशाल और अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। वाटर स्कीइंग, फिशिंग, सनबाथिंग और एडवेंचर सभी अब आसान पहुंच के भीतर हैं। हाइप्लोन 866 ग्रेड ट्यूब सहित सबसे मजबूत सामग्री का उपयोग किया जाता है। 10 वर्षों के निरंतर विकास के बाद सबसे सक्षम ऑल टेरेन ट्रैक सिस्टम उभरा है। इगुआना एक सुरक्षित आसान पैंतरेबाजी है जिसे तूफान और बर्बरता से दूर रखा जाता है। एक कूलर, पिकनिक, जल गतिविधि उपकरण और पूरे परिवार को मरीना ले जाने के लिए कुछ जटिल रसद की आवश्यकता होती है। वाटर कार फायर रेस्क्यू अग्निशामकों के पास एक मांग वाली नौकरी है, लेकिन वाटर कार का नया फायर रेस्क्यू व्हीकल तनाव को दूर करने का एक शानदार तरीका प्रतीत होता है जब वे जान नहीं बचा रहे होते हैं। एक जैसे दिखने वाली इस उभयचर जीप की जमीन पर 65 मील प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी पर 45 मील प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति है। इसमें एक ऑन बोर्ड पंप भी है जो आग की लपटों को बुझाने के लिए प्रति मिनट 1050 गैलन 3975 लीटर पानी प्रदान कर सकता है। फायर रेस्क्यू व्हीकल को सक्रिय दिखाते हुए वीडियो। इस एसयूवी के पानी के पंप एक साथ कई होस को बनाए रख सकते हैं और यह वास्तव में पानी से होकर गुजर सकता है। गिब्स फीबियन बचाव वाहन। फीबियन सबसे बड़ा एचएएस है जो जमीन और पानी दोनों पर सराहनीय प्रदर्शन करता है। यह एक वाहन है जो एक ट्रक, एक नाव और एक ट्रेलर को एक वाहन में जोड़ता है जो जमीन पर राजमार्ग की गति से और पानी पर 30 मील प्रति घंटे से अधिक जा सकता है। फीबियन को आपदा सहायता के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में बनाया गया था और यह वसूली को बचाव में बदल देता है। यह अपराधियों को ट्रैक करने की क्षमता को 2 गुना बढ़ा देता है और नागरिकों को कहीं अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। फीबियन ने जमीन और पानी पर 30 फीट की उच्च गति वाली नाव को ले जा रहे एक भारी ट्रेलर को ढोते हुए 1500 किलोग्राम पेलोड 4WD ट्रक से बेहतर प्रदर्शन किया। गिब्स हमडिंगा 4WD हमडिंगा सेकंड में भूमि और पानी के बीच संक्रमण करता है। यह जमीन पर मोटरवे की गति और पानी पर 30 माइल पर आवर से अधिक की गति में सक्षम है। इसकी 7 मीटर लंबाई और 3 और 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन इसे व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग के लिए उत्कृष्ट बनाते हैं। साथ ही प्रतिक्रिया समय महत्वपूर्ण होने पर पहले प्रतिक्रिया परिदृश्य भी। हमडिंगा में मजबूत ऑन वाटर और ऑफ रोड क्षमताएं हैं
जिससे यह कार्यों को जल्दी और कुशलता से पूरा करने की इजाज़त देता है, चाहे वे मनोरंजक, उपयोगिता, बचाव या अन्य हों। हाइड्रा स्पाइडर। हाइड्रा स्पाइडर एक शानदार उभयचर वाहन है जिसे गति और उत्साह के लिए डिजाइन किया गया है। एक कार की तरह दिखने वाले वाहन में पानी के पार उड़ान भरना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन वास्तव में यह एक स्पीड बोट है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करती है। यह ईंधन और बिजली दोनों से संचालित होता है। ड्राइवर हाइड्रा स्पाइडर को समुद्री मोड में डालने के लिए बस एक बटन दबाता है जो क्लच को छोड़ता है, सड़क ड्राइव को बंद कर देता है और पहियों को पीछे हटा देता है। डोबर्टिन हाइड्रोकार। डोबर्टिन हाइड्रोकार, प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल डिजाइनर रिक डोबर्टिन का आविष्कार, एक उभयचर वाहन है जिसे गर्भ धारण करने में 10 साल लगे और इसे बनाने में $1 मिलियन से अधिक की लागत आई। हाइड्रोकार बिल मिशेल रेसिंग 762 हॉर्स पावर V8 इंजन और क्वाडजिला 4L18 फोर स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ न्यूमेटिक सस्पेंशन और फोर व्हील पावर डिस्क ब्रेक से लैस है। एक A+ गियर चालित ट्रांसफर केस ट्रांसमिशन के पीछे बैठता है और लैंड मोड के लिए आगे के पहियों को पावर फॉरवर्ड कर सकता है या वाटर मोड के लिए प्रोप को पीछे की ओर भेज सकता है। सेलिक्स 9 मीटर्स हाइड्रोसोल रिप बोट। उभयचर नाव अत्यधिक अनुकूलन योग्य है जो इसे विभिन्न प्रकार के पर्यटन अनुप्रयोगों जैसे गोताखोरी, पर्यटन, वन्य जीव देखने और 12 यात्रियों तक के लिए आदर्श बनाती है। हाइड्रासोल RIB जो 9.0 मीटर लंबा है, चीन में एक सर्वेक्षण नाव और न्यूजीलैंड में एक गोताखोर नाव के रूप में अन्य चीजों के साथ कार्यरत है। शिल्प की विशालता यात्रियों की एक बड़ी संख्या को बोर्ड करने की अनुमति देती है। यह सबसे अद्यतित उभयचर हाइड्रासोल तकनीक का उपयोग करता है जो नाव के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को अनुकूलित करता है और पानी के प्रदर्शन में सुधार करता है। शेर्प द आर्क। शेर्प आर्क बाजार में सबसे आश्चर्यजनक वाणिज्यिक ऑफ रोड वाहन है। शेर्प आर्क बड़े पैमाने पर खोज और बचाव कार्यों, मानवीय सहायता, दलदली स्थानों में जंगल की आग का मुकाबला करने और लोगों और सामानों को ले जाने के लिए उपयुक्त है। शेर्प आर्क में 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ बकेट सीटें हैं जो 22 लोगों तक ले जा सकती हैं। इसमें 10 व्हील ड्राइव क्लियरेंस, ग्राउंड प्रेशर रेंज 9 से 2.1 पाउंड और झुकाव और गिरावट क्षमता 40 डिग्री है। 7,500 पाउंड के पेलोड के साथ यह जमीन पर 8.6 मील प्रति घंटे और पानी में 3.67 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। गिब्स बिस्की। जमीन पर और पानी में बिस्की 2 प्रणोदन प्रणालियों द्वारा संचालित है। बाइक की शक्ति 2 सिलेंडर इंजन से आती है जिसे निर्माता का मानना है कि यह जमीन पर लगभग 80 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंचने की अनुमति देगा। पानी पर रहते हुए बिस्की लगभग 37 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुँच सकता है। सवार केवल जमीन पर सवारी करने से पानी पर सवारी करने के लिए एक स्विच फ्लिप करते हैं और वे सेकंड में जाने के लिए तैयार होते हैं।
डिप्स क्वाड्स की। क्वाड्स की एक चार स्ट्रोक क्वाड है जिसे व्यक्तिगत वाटरक्राफ्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। जमीन और पानी दोनों पर इसकी अधिकतम गति 45 मील प्रति घंटे है। लैंड से वाटर मोड में स्विच करने में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। इसमें गिब्स की हाई स्पीड एम्फीबियन हसा तकनीक है जिसमें BMW मोटरराड के 1.3 लीटर के 1300X इंजन का मैरिनाइजेड वर्जन है जो लगभग 2 घंटे की जल यात्रा के समय की अनुमति देता है। जमीन पर इसकी रेंज करीब 600 किलोमीटर या 370 मील तक होती है। इन 10 उभयचर वाहनों में से आपका निजी पसंदीदा कौन सा है? कृपया वीडियो के नीचे एक टिप्पणी छोड़े। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने पहले से नहीं किया है और घंटी बजाएं। हमारे अन्य वीडियो भी देखें।